हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस मुबारक शाम के लिए। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गा सकूं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ प्रियो, एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए, समय के लिए, कि उसने एक बार फिर से आज
अपने वचन को प्रचार करने का मौका दिया है। प्रियो धन्यवाद करते हैं भाई अभिषेक का कि उसने एक अच्छा गीत हमारे लिए गाया और हमें परमेश्वर को पुकारने का एक मार्ग बताया कि हमें निरंतर उसे पुकारते रहना है और अपनी सच्चाई को उसके सामने बयान करना है, जैसे राजा दाऊद ने अपने भजन में बोला है। प्रियो, आज की शाम में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ निर्गमन उसके 15 अध्याय और उसके 27वें पद पे। आज यही हमारे चिंतन का विषय होगा, हमारे ध्यान का विषय होगा। प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है, तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। इस पद ने प्रियो बड़े आशीष की बात एक मुझे दी। वचन बताता है, तब वे एलीम को आए जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ इसराइलियों को मिले। पर इससे पहले, एलीम से पहले कुछ ऐसी परिस्थिति उनके सामने आई जहाँ पर उनकी हालात बहुत ख़राब हुए। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप 22 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता नहीं मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। प्रियो, इससे पहले वो एलीम में आते, अर्थात उस स्थान पर आते जहाँ उन्हें खजूर के बहुतायत मिल रही है, जहाँ उन्हें सोते की बहुतायत मिल रही है, उससे पहले उनका जीवन थोड़े समय पहले ही कष्ट में पाया जा रहा था, क्योंकि ना पानी उन्हें मिल रहा था, कोई सोता उन्हें नहीं मिला और जहाँ सोता मिला मारा नामक स्थान पे, वहाँ का पानी खारा था। प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूँ, इससे पहले आप अपने जीवन में एलीम को देखें, अर्थात उन बहुतायत की आशीषों को देखें, अर्थात 12 सोते और खजूर जैसी आशीषों को देखें। उससे पहले आपके जीवन में एक ऐसा स्थान आता है, अर्थात मारा का स्थान आता है, जहाँ पे आप पीड़ा से होके गुजर रहे होते हैं, कष्ट से होके गुजर रहे होते हैं। प्रियो, ये आवश्यक है। परमेश्वर दरअसल हमें तैयार करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं उन आशीषों में लोगों को रखना, पर उससे पहले वो हमें ट्रेन करते हैं, वो हमें सिखाते हैं कुछ आवश्यक बातों को। प्रियो, ये आवश्यक है कि इससे पहले लोग बड़े फलवंत हों, आशीषों को पाएं, वो एक कष्ट से, एक सताव से होकर गुजरते हैं बिना कुचले। प्रभु का वचन बताता है, बहुतायत की बरकतें नहीं निकल सकती, बिना कुचले आप फल लेके नहीं आ सकते। प्रियो, वचन में लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 24वें पद को, परमेश्वर कलाम बड़ी खूबसूरत बात कहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अर्थात प्रभु बात कर रहे हैं एक दाने की, और उस दाने को भी फलवंत होने के लिए एक क्रशिंग से गुजरना पड़ता है। वो भूमि में कुछ ला जाता है, वो दबाया जाता है, मर जाता है, और तभी वो फल लेके आ सकता है। प्रियो, ऐसे ही आज हमारे और आपके जीवन में पाया जाता है। स्वयं यीशु मसीह को इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा। वचन बताता है, यशाया 53 और उसके 5वें आयत में प्रभु का कलाम कहता है, प्रियो, कि वो हमारे ही अपराधों के निमित्त घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। प्रियो, इससे पहले वो बहुतायत से लोगों को अपनी ओर खींचता, उस क्रूस के द्वारा उसे एक पीड़ादायक कष्ट से होके गुजरना पड़ा। हमारे प्रभु को, हमारे प्रिय प्रभु को उस कष्ट से होके गुजरना पड़ा। प्रियो, ये अद्भुत बात है, इसलिए शायन इसका बयान किया कि वो हमारे कारण कुचला गया। प्रियो, क्योंकि बिना कुचले आपका उत्तम जीवन बाहर नहीं आ सकता, मेरा और आपका उत्तम जीवन बाहर नहीं आ सकता। प्रियो, जब एक ट्रेनर अपने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा होता है किसी भी कार्य के लिए, हो सकता है दौड़ के लिए अगर वो उसे तैयार कर रहा है,
तो मालूम है वो उस पर इतना भार डालता है, इतना उसे तैयार करता है, उसके कमर में टायर बांध के उसे दौड़ाया जाता है और पता नहीं कितने भार उसके ऊपर डाले जाते हैं, और यहाँ तक कि कई कई बार उसे शायद बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, खून तक उसके मुंह से भी आ जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कतों से होकर वो गुज़रता है प्रियो। उसका कारण यह है ताकि वो रेस के लिए अपने आप को तैयार कर सके। वो जो कष्ट में उसने समय बिताया होगा, वो जो दौड़ की तैयारी में उसने समय बिताया होगा, लेकिन जब वो दौड़ेगा तब उसका आउटकम आपको समझ में आएगा, उस तैयारी का आउटकम तब आपको दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ है प्रियो। यदि परमेश्वर को आपके उस उत्तम जीवन को बाहर निकालना है, उससे पहले परमेश्वर हमें एक ऐसे ट्रेनिंग में लेके चले जाते हैं, एक ऐसे जीवन में लेके चले जाते हैं जहाँ हम सताव को भी झेलते हैं, कष्टों को भी झेलते हैं और दिक्कतों का भी सामना करते हैं। उसका कारण सिर्फ यह है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं, हमारे जीवन का जो उत्तम भाग है उसे वो निखार रहे होते हैं। जैसे कि अगर डायमंड को तराशना हो तो उस पर कट मारे जाते हैं प्रियो, और जितने अधिक कट उस पर पड़ेंगे उतना ज़्यादा डायमंड खूबसूरत होता है प्रियो। ऐसा ही तरीका हमारे साथ भी है, परमेश्वर हमें कष्टों से होकर गुजरने देते हैं, परेशानियों से होकर गुजरने देते हैं ताकि वो हमें तैयार कर सके। मैंने एक खूबसूरत बात को सीखा प्रियो उकाब के जीवन से। जब उकाब अपने बच्चों को एक तैयारी करा रहा होता है, उड़ना सिखा रहा होता है, तो वो एक काम करता है, चोटी पर अपना घोंसला बनाता है, और जब वो घोंसले को तैयार करता है उस चोटी पर, उसमें अपने बच्चों को रखता है और उस घोंसले के अंदर वो नीचे कांटे लगाता है, उसके ऊपर अपने परों को लगाता है ताकि बच्चे आरामदायक घोंसले में रह सकें, और बच्चे बड़े आनंद से भरे हुए होते हैं जब तक वो उस घोंसले के भीतर होते हैं। फिर धीमे धीमे जब उकाब को उसे सिखाना होता अपने बच्चे को ओढ़ने का पाठ, तो वो एक काम करता है, वो उन परों को निकाल देता है और कटीले कांटे वो उस जगह पे रह जाते हैं जो बच्चों को चुभते हैं, और बच्चे रोने लगते हैं, बिलकने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आरामदायक जीवन से बाहर नहीं आना चाहते, वो ओढ़ने को सीखना ही नहीं चाहते। इस कारण से उकाब को ऐसा करना पड़ता है, और जब उकाब ऐसा करता है तो वो बच्चे बाहर आते हैं, और फिर जब उन्हें उड़ाने की वो तैयारी करता है तो वो उसे अपनी कमर पर बिठा के ऊंचाई पर लेके चला जाता है अपने बच्चे को, और बहुत ऊंचाई पर जाके वो उसके नीचे से हट जाता है और बच्चा नीचे गिरने लगता है। नीचे जब वो गिर रहा होता है, बिल्कुल अंतिम क्षणों में आकर वो उकाब उसे अपने परों पर उठा लेता है। प्रियो, ये मैंने खूबसूरत बात जानी, जब आपने डिस्कवरी में भी देखा होगा या बहुत सारी जगहों पर पढ़ा भी हो सकता है इस बात को प्रियो, और यही तरीका है उकाब अपने बच्चों को सिखाता है, एक कठिन परिस्थितियों में डालता है और उससे निकाल के लेके आता है, पर वो उन्हें छोड़ता नहीं है, वो उसे मरने नहीं देता, वो उसे वापस अपने परों पर उड़ा लेता है और फिर ऊपर ले जाता है, फिर यही प्रक्रिया करता है, फिर हट जाता है नीचे से, फिर बच्चा नीचे गिरता है, पर कुछ समय के बाद बच्चा उड़ना सीख जाता है। सेम प्रोसीजर हमारे साथ भी है प्रियो, जब परमेश्वर हमें उड़ना सिखाते हैं, जब हमारे वो उत्तम जीवन को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन लोगों के लिए एक सुगंध बन जाए, ताकि हमारा जीवन बहुतायत से लोगों के लिए आशीष बन जाए, तो वो हमें तैयार कर रहे होते हैं प्रियो। अद्भुत बात है प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करते हैं ताकि उनका बेहतरीन हिस्सा बाहर आ सके, उत्तम जीवन उनका बाहर आ सके। मैंने एक जगह से पढ़ा था, जब ऑलिव ऑयल को निकालना हो तो उसका तेल निकालना होता है, ऑलिव ऑयल को निकालना होता है तो जो बीज जिसमें वो तेल भरा हुआ होता है, मालूम है क्या करते हैं, एक बड़ी सी चक्की होती है, बड़ा सा एक पत्थर होता है, और उन ऑलिव सीड्स को उस चक्की के भीतर रख दिया जाता है, और बड़ा सा पत्थर जब उसके ऊपर गुजरता है प्रियो, तब क्या होता है, एक तेल, एक खूबसूरत सा तेल जिसका इस्तेमाल बहुतायत से किया जाता है, वो तेल बाहर आता है। पता है वो कब बाहर आता है, जब वो बीज, वो सीड कुचले जाते हैं, जब उन्हें दबाया जाता है, जब वो पीड़ा से गुजरते हैं, तब उनका वो उत्तम तेल बाहर आता है प्रियो। ऐसे ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरंथियों 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि वो धन मिट्टी के बर्तनों में
पाया जाता है, अर्थात परमेश्वर का वो उत्तम धन हमारे भीतर पाया जाता है, पर हमें उसके उत्तम भाग को बाहर निकालने के लिए अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मारना होता है, हमें अपने फ्लैशी जीवन को ख़त्म करना होता है। इसीलिए पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रियो, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के पीछे चले, परमेश्वर ने एक बात को बोला, प्रभु ने बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे। प्रियो, आपे का इनकार मैंने पीछे दिनों भी प्रचार किया था, जब हम अपने आपे का इनकार करते, अपने फ्लैशी डिजायर्स को ख़त्म कर देते हैं, तब वो हमारा उत्तम जीवन बाहर निकल आता है प्रियो, और उसी उत्तम जीवन का इस्तेमाल परमेश्वर करते हैं, और वही जीवन लोगों के लिए आशीष बन जाता है। प्रियो, इज़राइल जब बाहर आया, जब वो इलीम में आया, अर्थात जहाँ उसे सोते मिले, खजूर मिले, उससे पहले उसे उस पीड़ा से गुजरना पड़ा। यही तैयारी का समय मेरे और आपके लिए है। प्रियो, यदि मैं और आज आप दुख से होके गुजर रहे हैं, तकलीफ़ से होके गुजरते हैं, प्रियो परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन को तैयार कर रहे हैं। पहला पत्रस 4:12 में लिखा है, ये दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे ऊपर भड़की है, इससे अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। प्रियो, अगर दुख आपके जीवन पे आ रहा है, तकलीफ़ आपके ऊपर आ रही है, प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आपका बेहतरीन जीवन बाहर आ सके, ताकि वो जीवन बाहर आ सके जो लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्यकर्म मिरेकल से भरा हुआ जीवन हो। प्रियो, जब गुलाब के पत्तियों से अर्क को निकालना होता है, तो वचन ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताते हैं कि उसे भी कुचला जाता है, उसे एक उच्च तापमान पे गर्म किया जाता है, और तब उसके बाद वो अर्क बाहर निकलता है। छोटा सा अर्क होता है जो बहुत सुगंधित होता है, बहुत खुशबू उसके अंदर होती है। ऐसे ही ठीक हमारे साथ है प्रियो, हमारे जीवन में कठिन समय आता है, हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, और अगर तकलीफें आपके जीवन में आ रही हैं तो आज इस बात से आनंदित हो जाइएगा, आनंदित हो जाइएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ये दुख जो तुझ पे बीत रहा है, इससे अचंभा नहीं कर, वरन ये बात स्मरण कर कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करता है, वो आपको ट्रेन कर रहा है। एक संसारिक कोच जब अपने शिष्य को तैयार करता है, वो उसे इतने तकलीफ़ों से गुजरने देता है, उसका कारण ये है कि जब वो दौड़े तो ऐसा दौड़े कि वो विजेता बन जाए। ऐसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार करते हैं प्रियो, वो चाहते हैं कि जब उसके बच्चे, जिनके भीतर वो आत्मिक जीवन पाया जाता है, मिट्टी के पात्रों के अंदर वो अद्भुत जीवन पाया जाता है, वो जीवन जो पवित्र आत्मा का जीवन है बाहर आ जाए, उसके लिए वो उन फ्लैशी डिज़ायर्स को ख़त्म करता है। इसलिए हमें कष्टों से होके गुजरने देता है, इसीलिए हमें पीड़ाओं से होके गुजरने देता है। परमेश्वर, आप हमारे जीवन को तैयार करते हैं ताकि हम उकाबों के मानिंद ऊंची उड़ाई पे, उड़ान पर उड़ सकें। प्रियो, ये अद्भुत बात है, वो हमें सिखा रहे होते हैं हमारे जीवन में। प्रभु, आप आज अपने जीवन में जांच के देखिए, अगर दुख आपके जीवन में चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे। प्रियो, उन कड़वे अनुभव से, जैसे वो मारा का स्थान आया था, उसके बाद एलीम भी आया, वैसे आपके जीवन में अगर आज मारा पाया जाता है, वो कड़वे अनुभव पाए जाते हैं, आंसुओं का जीवन पाया जाता है, कष्टों का जीवन पाया जाता है, तो विश्वास कीजिएगा कि परमेश्वर आपके लिए एलीम को भी रखे हुए हैं, जहां आपको 12 सोते मिलेंगे, जहां आपको खजूरों की आशीषें मिलेंगी, आपको अद्भुत अनुग्रह प्राप्त होगा। प्रियो, आप परेशान ना हो, आप निराश ना हो, हताश ना हो, प्रभु आपके लिए बेहतरीन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए उत्तम जीवन को तैयार कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु, यदि मैं आज इस स्थान पे पाया जा रहा हूँ, आज हो सकता है मारा जैसे स्थान पे पाया गया हूँ, हो सकता है कष्टों से गुजर रहा हूँ, हो सकता है तकलीफ़ों से गुजर रहा हूँ, पर मैं निश्चय जानता हूँ कि इसके बाद एलीम का आना बाकी है, अर्थात उन आशीषों का आना बाकी है, वो उत्तम जीवन बाहर प्रकट होना बाकी है। आइए प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के मुबारक वक्त के लिए, इस समय के लिए प्रभु, कि आपने ये उत्तम वचन आज शाम में हमें दिया। प्रभु, आप चाहते हैं आपके बच्चे ऊंची उड़ान पर उड़ें, प्रभु आप चाहते हैं आपके बच्चे कभी ना हारें, हाँ प्रभु वो दुष्ट की युक्तियों का सामना कर सकें। पिता, इसलिए आप उन्हें तैयार करते हैं। एक संसारिक माता पिता भी अपने बच्चों को तैयार करते हैं प्रभु, उनकी परीक्षाओं के लिए, ताकि बच्चे जयवंत हो जाएं। हाँ प्रभु, एक ट्रेनर भी तैयार करता है अपने शिष्य को कि वो रेस में जयवंत हो जाए।
प्रभु इसी रीति से आप भी हमें तैयार करते हैं कि हम हर परेशानियों पर जय को प्राप्त करें, हर तकलीफों पर हम जय को प्राप्त करें परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन का वो उत्तम भाग बाहर आ सके जो अब तक प्रभु हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के कारण छिपा हुआ है। अब तक हमारे जीवन की उन अभिलाषाओं के कारण जो प्रभु हमारे जीवन में पाई जाती हैं अभी तक छिपा हुआ है प्रभु, वो बाहर आ सके पिता। इसलिए आप हमें जाने देते हैं, आप हमें उन परीक्षाओं से होकर गुजरने देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन निखर सके, हमारे जीवन उत्तमता में आ सके पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस उत्तम बात को बताने के लिए कि प्रभु यदि मारा आज आपके जीवन में पाया जा रहा है तो निश्चय एलीम भी आएगा। हाँ प्रभु, आशीष भी आएंगी, ओ परमेश्वर आपकी बरकतें भी आएंगी। आज भले ही दुख पाया जाएगा तो निश्चय है आने वाला समय बहुतायत की बरकतों को भी लेके आएगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सुत्तम वचन के लिए, प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं, या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मॉन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टिमनी स्क्वाड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मेरे कार्ड पर दिए हुए जानकारी पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।